तुमने ऐसा टेन किया? ईयर मैं, कोई बात नहीं है, जाने दे भाई, 6 लाख रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है भाई, मैंने दान में दे दिए भाई, मैंने पनौड़ी को आई दान दे हैव दिया वो दान का, पावर एक जाने ओ दे, सॉरी कोई आई हैव चक्कर नहीं, दैट द लेट देम डू इट, लेट देम गो, समझा मेरी बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल 6 लाख रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं दोबारा कमा लूंगा, मगर वो बंदा कहीं ना कहीं देगा, या माता रानी को देगा, या पिता रानी को देगा, किसी ना किसी को देगा भाई, वो ऐसे पैसे देगा रोएगा। भाई देखो मेरे लिए ये सारे दोस्त मच्चे सच में पनौड़ी सब मैंने आपको मेरे बोला, लिए पनौड़ी मैंने इम्पोर्टेंट है आपको भाई। बोला था, पनौड़ी मुझे मैंने राज आपको भाई बोला था, तुम बताओ तुमने मना किया ना कि भाई मुझे हाँ नहीं कुछ करना, सच मैंने बताओ। मैंने मैंने मना किया था भाई, आपको मना किया था मैंने, मैंने मेरे को ये देख, पता क्या है, मेरा भगवान मेरे साथ है भाई, मैं आई बिलीव इन गॉड, बिलीव करना भाई, मैं अपनी बंदी के लिए यहाँ से जा सकता हूँ ना, 7-8 लाख रुपए लगा के 6 लाख रुपए का चीज है, समझे मेरी बात, मेरी जान के लिए मैं कुछ है तो, ये चोरी करके ले गया मेरे लिए, ये चोरी करके यारी के नाम पे चोरी कर गया और आया नहीं, उसके बाद भाग गया, और वो जो फोन यूज कर रही है ना शबनम, वो भी मेरा ही यूज कर रही है भाई, 1.5 लाख का उसकी औकात है यूज करने की, बताओ मुझे, 2 लाख का फोन जो तुम्हारे को यार चार्ज किया था, जो पटेल के पैसे खाए, कैसे खाए पटेल के पैसे उसने, आपने मुझे क्या बताया था, पटेल अपनी जगह राइट था भाई, पटेल हमेशा राइट था भाई, सही बता रहा हूँ आपको, मैंने 10 बार कहा था पटेल राइट है, पटेल राइट है, मैंने गोली भाई को भी ये कहा था, पटेल गोली भाई कहता नहीं तू सही बोल रहे भाई, राज भाई हमने हमने यार हम तो मिले हुए गोल्डी भाई से, पटेल सबसे मिले हुए, इनकी नेचर हमें पता क्या चीज है, मगर वो बंदे को हमें मिले नहीं थे, मगर वो बंदे की औकात देख ली हमने क्या थी, कोई बट ये सिचुएशन पटेल ऐसी की है, बहुत तारीफ करता है यार ये राज। नहीं, पटेल भाई भाई अपना पटेल, मैं अभी अभी बोलोगे अभी चला जाऊंगा, मगर वो यहाँ पे नहीं है, मुझे कॉल आई थी, मैं बात नहीं करता यहाँ पे, मुझे कल कॉल आई थी, मगर वो काम के लिए मैं उससे अरे बात नहीं कर नहीं रहा हूँ, मैंने ही बोला था पटेल को, मैंने ही नहीं बोला मैं था। बात नहीं कर रहा, अब मैं आपसे बात नहीं कर रहा इस बारे में, बाद में बात कर लेंगे, तो बात छोड़ो ना, हाँ तो छोड़ो भाई ना, देखो मैं तो सच बताता हूँ कि मोटे ने जो भाई ना देखो मोटा तो मेरे साथ रह के खाना ना, पीना खा ठीक के है ठीक है, गया, हम चक्कर लेकिन जो नहीं, सच है वो सच है, उसने थैंक राज भाई के साथ गलत किया, मतलब जो गलत है वो गलत है, ठीक यू, मेरा फाइन, थैंक यू, है। चलो फाइन, क्वात्रो सेंटर इफ यू बोलो, डू समथिंग क्वार्टर आई एम सेंटर, गोना वेट अंटिल थ्री, बाय, ग्रेसियस, ये राज था ना राज, भाई वो मम्मी कैसा तक के पास सूफी क्या तो लोग कोई ना बनी तो बना तो, कह रहा है। अरे चीका दिखा चीका, ओ मूछो चीका दिखा भाई। अच्छा गोल्डी भाई बैठे हैं क्या नीचे? अरे मुझे मुझे बिठा के ले लो, मेरे को वैसे भी बात मैं गोल्डी भाई बाहर को, हूँ एक यार, मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं गोल्डी भाई को ले, मैं इससे डील कर लूँ यार, जरा डील बड़ी बहुत बढ़िया, 20-25 करोड़ की डील है, ले लूँ भाई मैं से। अरे गोल्डी गोल्डी भाई, भाई को अरे ले लो, मैं कब से बैठा हुआ यार, मैं भी अब थोड़ा काम कर लेता हूँ, कब से बकचोदी कर रहा तो हूँ मैं भी मैं। बाहर अरे हूँ, रुको गोल्डी भाई को ले रहा हूँ भाई, शेखर चल गारंटी होगी तेरी, कब से बकचोदी के अच्छे अच्छे फॉरम पर पड़ रहा हूँ मैं। गोल्डी भाई कहाँ है, गोल्डी भाई बैठे हैं क्या मेरे को? नहीं क्या गोल्डी भाई, अरे यार लोग ऐसे कुछ कमेंट कर देते हैं, बाबा है क्या, बाबा को ऐड करूं भाई, शेयर करो ना लाइव बाबा के साथ। और भाई पटेल कैसे हैं भाई बहुत बढ़िया, कैसे हो? यार और तू पनोट लाइव, भाई कैसे हो? अरे यार लड़कियों को क्यों कमेंट करता है यार लाइव में अरे बैठ नहीं, कर, लड़की मेरी दोस्त है यार, उसको ऐसे बोलेगा जानू चलो सोते हाँ हैं। तो दोस्त को ऐसे, यहाँ पे अमेरिका में तो डार्लिंग दोस्त को भी डार्लिंग बोलते हैं यार, तो मैंने बोल दिया, उसमें क्या है यार, अच्छा ये पनोड़ी भाई तेरे को क्यों गाली दे रहे थे फिर? पनोड़ी भाई, भाई पनोड़ी भाई तो बोलते हैं, उसमें क्या है, काले तूने कुछ तो किया होगा तभी तेरे को गाली अरे पड़ती कुछ है, घंटा भी मैंने नहीं किया है, तो तो तेरा नाम क्यों बदनाम हो रहा है ये बता। नाम कहा था, इंस्टाग्राम पे नाम ही कहा था पहले से, अरे यार पनोड़ी भाई आज आपको एक पुराने दोस्त से मिलवाता हूँ भाई, अरे हैरी भाई को ऐड करो, हैरी भाई को, हैरी को ही ले रहा हूँ भाई, तेरे को कैसे पता लगा हैरी को ले रहा हूँ? अरे मुझे भाई हैरी भाई अपना अपना भाई है, हैरी भाई हैरी को लो, हैरी तो दिखाई नहीं दे रहा है यार, सालों हो गए हैरी को देखे हुए। अरे क्या दिया हैरी को, हैरी भाई ने जब से ये जिम बंद, भाई जब से वो बंद कर दिया है ना, तब से नहीं दिख रहा है यार, कंपटीशन बंद कर दिया है उन्होंने, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? तो यार हैरी आता नहीं है यार, आपको मालूम है अब तक हैरी मेरे साथ एक बारी, आई डोंट रिमेम्बर, या दो बारी, इससे ज्यादा कभी लाइफ पे ऐड नहीं हुआ। तो आपको चाहिए यार, अब
अपना उसका कंटेंट अपना उसने क्लीन रखा हुआ है यार। अरे बाबा आ गया, बाबा भैया क्या है? हरी भाई बाबा को पूछते हैं, बाबा आपका रिचार्ज खत्म हो गया था? अरे वो उन्होंने मैसेज किया था कि मैं खाना खा रहा हूँ ऐसा। अरे खाना खाने में अरे पटेल इतना टाइम लगता है क्या साली? एक रोटी इधर ठूस दी, एक रोटी इधर ठूस दी भाई। और बाबा कैसे हो? अरे यार क्यों ऐसे टैक्टिक्स खेलते हो भाई? ऐसे क्यों बताते हो भाई कि कहाँ गया था बात करने, ये करने, वो करने? ऐसा कुछ मत करता हूँ, मैं खाना पील रहा था। अच्छा बाबा ऐसा तो नहीं लग रहा भाई, तुम 2 घंटे खाना खा रहे थे भाई। अरे 2 घंटे क्या, मैं आराम आराम से खाता हूँ ना, एक एक दाने को 72 बार चबाता हूँ फिर खाता हूँ खाना। ऐसा थोड़ी है कि साला एक बार में खा जाता हूँ कुत्तों की तरह। मनोड़ी भाई को तुम कह रहे थे तब ठीक था भाई, अगर हम तुम्हें कहें तो भाई ठीक नहीं है। अरे तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरी ऐसी कोई भी चीज लाइव में दिखती है तो कह सकते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैंने तो भाई लाइव चलाई पहले, पनोड़ी भाई से पूछा, भाई पनोड़ी भाई रिचार्ज कूपन है आपके पास? बोले नहीं। फिर मैंने सुहाना से पूछा, बोली सुहाना पूछी सूफी भाई क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला यार बाबा का रिचार्ज खत्म हो गया यार। बाबा का रिचार्ज करवाएंगे फिर लाइव पे आएंगे यार। मेरा रिचार्ज सही में आज दोनों फोन का मेरे खत्म हो गया था साला, अभी मैंने करवाया रिचार्ज। और पटेल हाँ भाई सुना भाई यार, मैं कुछ देख रहा था कि आज कौन सी मूवी देखूं, वेब सीरीज देखूं, समझ में नहीं आ रहा। पनोड़ी भाई कुछ देखे हो क्या कुछ नया? मिश्रा भाई वो जैक रायन देखी आपने? उसकी जैक रायन चार देख ली। हाँ देख ली। वो एक नई सीरीज आई है कोहरा, हाँ वो भी देख ली। अच्छा कोहरा देख ली? हाँ तो अच्छी है पर स्लो है थोड़ी सी। पनोड़ी भाई आपने देखा क्या? अरे नहीं मैंने तो अभी 5-10 मिनट का ही देखा है। हाँ ठीक है थोड़ा सा, पर उतना मजा नहीं है। अच्छा बाबा मेरे को एक बात बताओ, मेरा एक दोस्त है पबजी में, तो वो मुझे कह रहा था कि तुम्हें मैं एक आईडी दे दूंगा इसकी नेटफ्लिक्स की, वहाँ पे सीरीज वीरीज देखना, वो सेफ है क्या? हाँ वो डिटेल चोरी करके वो मिलता है टेलीग्राम में, 30 रुपए महीना में, 50 रुपए महीना में, ऐसा। पर वो आपको दे देगा, आपको दे देगा 30 रुपए में, पर वो जब भी उसका जो बंदे के पास जिसके पास उसके एक्सेस होगा तो वो उसका पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकता है और आप लॉग आउट हो जाओगे। अरे वो ऐसा तो 30 रुपए का लोड़ा बैंक क्या, मैंने तो कभी नेटफ्लिक्स देखा भी नहीं लाइफ में, पता आपको? कभी भी नहीं, और मैंने कभी कोई सीरीज भी नहीं देखी अभी तक। हम लोग तो भाई सबका सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं बहन चोद, जब जिसका मन करता। अटैक ऑन टाइटन देखो बाबा, किसमें भाई अटैक ऑन टाइटन? द नाइट मैनेजर भाई, ऐसी चीजें मत बताओ यार, ये सब चीज तो बहुत देखी है, ये पुरानी वेब सीरीज हो गई। पनोड़ी भाई अमेज़न प्राइम देखिए आप पे भी अच्छी आ रही है अभी। हाँ जियो सिनेमा की भी अच्छी है कुछ। मैंने भी एक सीरीज सर्च की थी, वो सीरीज का नाम गूगल गूगल पे मतलब के वो गूगल के सर्चिंग लिस्ट में होगा, मैं नाम भूल गया उसका। बहुत ही जबरदस्त मतलब ही जबरदस्त सीरीज है वो, 2017 या 2018 की है। हाँ मतलब काइंड ऑफ द थ्रिलर है वो, बहुत ही हॉलीवुड की है वो। तो अभी मैं लाइव से निकल के मैं देखता हूँ गूगल में, मैं तुम्हें नाम सेंड करता हूँ। मैं वो देखूंगा, आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या देखना है, मेरा तो पक्का हो गया। कौन? संदीप भैया, संदीप भैया टीवीएफ की आई है वो, संदीप भैया वाली भी अच्छी है भाई, सोनाक्षी सिन्हा वाली। वो उसमें जो पनोड़ी भाई कैरेक्टर है ना, वो बंदा बहुत तगड़ा है, उसका नाम मुझे याद नहीं, आपने देखा भी होगा उसको। 100 रुपए भेजो मैंने। क्या नाम है इसका? भेजो नहीं आता नहीं साहब, उस बंदे का नाम मुझे याद नहीं है। कास्टिंग हाँ यूट्यूब में है, पर इस बंदे का नाम मालूम है क्या किसी को? संदीप भैया जो वेब सीरीज है
यूट्यूब पे आती है बाबा क्या ये? हाँ टीबीएफ का है ना, द वायरल फीवर का, इसका एप्लीकेशन भी है, उसको भी इंस्टॉल करके फ्री में भी देख सकते हो। तो आज ये देखूंगा संदीप भैया। अरे यार नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहे हैं लौंडे आजकल, नहीं बाबा? हाँ हाँ एक सीरीज में आईएएस होता है वो, राइट राइट राइट, वही टैब आई है पनोड़ी भाई, टैब। कुछ बोलना चाहेंगे टेप के लिए? नहीं नहीं भाई, हमारा क्या मतलब है टैब पे? टैब को ऐड करो, टैब को सपोर्ट करो यार। अपनी दोस्त है भाई, उसका मनोबल यार डाउन हो गया। देखो यार बाबा, टैब को मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं नीचे जाता हूँ, एक बार आप उसको ऐड अरे मिश्रा भाई आप बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ अरे अरे सुबीत भाई मैं जा, मिश्रा भाई बैठो आप, ठीक है मिलते हैं। अरे मैं बैठ, अरे पटेल भाई तू बैठ, मैं जाता हूँ भाई। कह रहे हैं कि मैं बैठता हूँ, होस्ट ही बोल रहा है मैं बैठता अरे नहीं, पटेल भाई तू बैठ, हूँ। मैं जाता हूँ भाई, सनी तू बैठ भाई। हिंदुजा, सनी हिंदुजा ये सही है यार। बाबा क्या हुआ जी? नहीं अरे यार मिस फिटनेस यार, हम लोग यार तुमको बोले हैं ना यार, मंडे वनडे को देखना है यार तुम यार। अच्छा इसको ऐड कर लो ना यार पनोड़ी सूफी भाई, अगर ऐड कर सकते हो, मिस फिटनेस 06। अच्छा मैंने 1 मिनट टैब को अभी डाल दिया। मेरा तो हाँ चार्जर हाँ ठीक है गया आज। भी घर पे रह गया। तो आपके पास तो दो फोन है ना, दूसरे फोन से भी आ सकते हैं तो। अच्छा मिस फिटनेस आप रिक्वेस्ट डाल दो, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। तो मेरा बाबा चार्जर भी घर पे रहेगा यार। आपके ऊपर एक सीरीज बनाने वाला हूँ मैं, कि जो भी लड़की आपके पहले साथ लाइव देखिए, पे आती है वो उसके बाद लाइव से गायब हो जाती है बाबा। ऐसा कौन सा लड़की है यार? उसके बाद फिर वो इंस्टा पे नजर नहीं आती भाई, छोड़ देती लाइव भाई। ऐसा क्या करते हो बाबा, क्या ये ज्ञान देते महेश हो? दल्ले, महेश दल्ले भाई आइए तो, जिसके बाप का नाम महेश होगा ना उसकी तो बहनचोद इज्जत की मां चुट जाती है। पप्पू बना लो बाबा और ब्राह्मण देख ली बाबा। ये डॉक्टर को दिखाकर आ गई क्या फिटनेस? हाँ वही है, डॉक्टर वाली है यार अरे मिस फिटनेस रिक्वेस्ट भेज दो, ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से ऐड नहीं हो रही भाई। अच्छा कमेंट से नहीं होता क्या? ए रिक्वेस्ट भेज दे रे लड़की। ए रिक्वेस्ट भेज दे रहे बाबा, ये क्या स्टाइल हुआ? ए रिक्वेस्ट भेज दे तरीका रहे। तो, बात करने का तरीका तो वैसा ही है। मनोड़ी यूट्यूब भाई ऐसा सीखो देखो, सब कुछ देखी यार आप भी। क्या हुआ? पनोड़ी भाई तो भाई कतई। भाई मैं किसी दिन पनोड़ी के इस डायलॉग से मर जाऊंगा हार्ट अटैक से। भाई बात चलती होगी पनोड़ी एकदम से। क्या हुआ? और एक वो बोलते हैं ये, अच्छा, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा अरे मेरे में फोन में 15%, 5%, 10% शायद बैटरी रह गई, और मैं चार्जर यार घर पे ही भूल गया हूँ। ये ट्रैवलिंग पे तो दूसरे फोन से आ जाइए ना लाइव आप। अरे वो भी सैमसंग का ही है ना यार, दूसरा फोन भी, क्योंकि ये चार्जर मैं ट्रैवलिंग पे गया था तो साथ में लेके गया था। अभी बेंचो घर पे ही मैंने छोड़ दिया है। अच्छा ये मिच फिटनेस नीचे कमेंट तो कर रही है बाबा लिखकर। हेलो 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 जय श्री यार, तुम पहले महाकाल। तो जय श्री महाकाल, पहले लाइट वाइट चालू करो अपना। मैं अपना कैमरा बंद कर लूंगा। नहीं, कैमरा ऑन करना पड़ेगा ये आपको। मिस फिटनेस मतलब के ये आपको याद है जो उस दिन अपन लोगों ने जिसकी मदद की थी इलाज के लिए, सुगर वाली बंदी? वही वही हाँ। वही। हाँ अच्छा, मतलब मिस फिटनेस हाँ आईडी का नाम है।
पहले से आपको जॉब मिल जाएगी कोई इसको? तुम कहाँ से हो यार, तुम कहाँ पे हो? इंदौर से हूँ मैं, एयरपोर्ट रोड पे रहती हूँ, और मुझे आप अगर जॉब मिलती है तो मुझे आप बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कल से जाना स्टार्ट कर दूंगी। मुझे खुद को पसंद नहीं है क्योंकि मेरा खुद का रेंट चढ़ रहा है और अदर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बाद मेरी शुगर हाई बढ़ती जा रही है, आज 241 आई, यानी कि बिना खाए पिए की खाली पेट की 241 हुई। और वो जो तुमने पिछले बार वो किया था क्या तो कहते हैं उसका इलाज विलाज करवाया था, तो तुम दवाई ववाई तो लाई होगी? नहीं बाबा, दवाई के मेरी रिपोर्ट ही आज दो दो रिपोर्ट तो आज ही होने की है, आज कराई मैंने, आपको भेजी भी है। तो मेरे पैसे 4,500 रुपए उसमें लग गए मेरे। अब मेरे को एक्सरा कराना है नाक का। एक्सरा तो क्या होता है, एक्सरे? हाँ एक्सरे ने, हाँ तो वो कराना है मुझे। तो एक्सरे के कितने पैसे लगते हैं? 1,000 रुपए बताए उन्होंने, मैं पूछ के आई हूँ, दवाइयों का भी पूछ के आई, मशीन का भी पूछ के आई, कि बार बार मुझे टेस्टिंग कराना पड़े, मैं घर में ही कर लूँ। क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला है, बोले आपको टेस्टिंग यानी 1 महीने लगातार करना पड़ेगी, देखना पड़ेगा आपकी शुगर ज्यादा कम हो रही है कि क्या हो रहा है, तो आपको घर में टेस्ट करना पड़ेगी, उसके लिए आप मशीन लेके आओ। मैं पहले सरकारी हॉस्पिटल ही गई थी, लेकिन सरकारी वालों में मुझे शुगर के नहीं। ये बताओ कि ये जो शुगर है तुम्हारी, तो तुमको इतनी प्रॉब्लम है क्या कि तुम आने वाले कुछ दिनों में मर वर सकती हो अगर तुमने इलाज प्रॉपर से नहीं करवाया तो? मैं मर जाऊं वो ज्यादा बेटर है इस ऐसी लाइफ से। तो क्या ही बोलूं अब, इसके आगे तो कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। ऐसी लाइफ से तो अच्छा है ना कि देखो अब मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी इंसान को दो बार मदद नहीं किया हूँ। एक मुस्कान खान करके एक औरत थी, उसकी मदद किया था, और अगर किया तो दोबारा तुम्हारी होगी यार। तो तुम ये बताओ यार कि अगर हम दोबारा भी तुम्हारी मदद करते हैं तो फिर तुम साला दोबारा तो नहीं आओगी हमारी जिंदगी में? और हम लोग नहीं, मैं अब मदद, मेरे को लास्ट मदद चाहिए।